लॉकडाउन उते कोरोना कारण मापिया ते स्कूल प्रबंधकां विचाले फीस नूं लै के जबरदस्त ठण गई। स्कूल प्रशासन पूरियां फीसां लैण लई बजद ने अते मापे फीस ना देण जां फिर घट करन लई बजद ने। मापिया का कहना है कि उन्हां दी आमदन घटी है क्योंकि कंपनियां उन्हां नूं पूरियां तनखाहां नहीं दे रहियां। मापिया अते स्कूलां विचाले इस गल नूं लै के अज वड्डी बहस भी होई है। स्कूल प्रबंधकां दा कहना है कि मापे अपने बच्चिआं दे नाल बैठ के उन्हां नूं खुद पढ़ाउण। उत्थे ही मापिया का कहना है कि जेकर बच्चों मापिया ने ही पढ़ाना है तो फिर स्कूलों फीसा किस काम लई देनिया ने। स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि उन्होंने अध्यापकों फीसा देनिया ने, खर्चे पूरे करने ने। कोविड 19 सिर्फ मैनेजमेंट या स्कूल ही नहीं, पेरेंट्स से भी है। पेरेंट्स की जॉब्स बिजनेस ने जोड़े वो खत्म हो चुके हैं। जेडे एक्ट की इन्होंने गल की है, इट्स द एक्ट ऑफ 2016 जिहड़ा पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया, वो एक्ट के जी फीस स्ट्रक्चर इन्हों लिबरटी दी है भी तुम सैटल कर दो। ये हूँ तक पेरेंट्स पे करते आए ने, हूँ नौबत कोविड 19 करके है, जिथे पेरेंट्स ने पैसे लेने से जितों सैल जिथे कोई प्राइवेट बिजनेस से या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते कहते जी असी उन्हों सैलरी देनी है। पेरेंट्स को सैलरी कौन दे रहा? इन्हों का यह केस नहीं गा भी गवर्नमेंट बच्चे पढ़ाने वास्ते पेरेंट्स नूं 5 या 10 हज़ार रुपया दे रही है महीना। पेरेंट्स अगे सानू नहीं दे रहे, फिर तो असी नजायज हैं। हालात तो पेरेंट्स के माड़े ने। ऑनलाइन क्लासेस तुसी दे नाते तुसी शो करके 2 क्लासेस ऑनलाइन, 6 क्लासा चो 2 जे क्लासेस आप मन भी लईए, बर्डन तो पेरेंट्स से पिया होया। पे तो घर की मदर नूं मिलनी चाहिए है, जिहड़ी जिन्हां नूं इह व्हाट्सएप ते ला के वह नाल भी वहिंदी है पढ़ाने लई बच्चों नूं, ते उस तों बाद उहनूं एंड च भी पढ़ाती है। एक बर्डन उन्होंने ज्यादा पै गया जिदे घर के मल्टी मीडिया फोन नहीं सी, बच्चे पढ़ाते सी चलो जिमें मर्जी हो, वो मल्टी मीडिया उन्होंने फोन लेने पै गए जी, 2 बच्चे ने या लैपटॉप देना पै गया, खर्चे बढ़ गए, बर्डन बढ़ गया। आउटपुट कुछ नहीं है। तुम किंडरगार्टन के बच्चे तो कि फीस लै रहे हो जो पढ़े नहीं, तुम मैनू इतने लैके आओ बच्चा जो प्री नर्सरी का बैठा है, ऑनलाइन चला के दिखाओ, उन्होंने पता उन्होंने बैठने का तो पता नहीं गा। यही माइंड देखो जिहड़े मतलब स्रोते सुन रहे हो, इन्हां दी मैंटैलिटी किन्नी गिर गई है। ये कहिंदे तुसीं पढ़ाओ, बच्चा तुसीं रखो, बच्चा तुसीं जम्मिया ना, सानू पैसे दो, थोड़ियां शकल दे इहनूं रखे होए ने, थोड़े ते ड्यूटीज देखो किन्नियां लांदा कॉन्स्टीट्यूशन। रीड आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टीट्यूशन, द स्कूल इनक्लूड्स, आई एम टेलिंग द डेफिनेशन ऑफ स्कूल अंडर द एक्ट ऑफ 2009, स्कूल इनक्लूड school and they are bound to provide free and come to the kid with to 14. I am coming one. Secondly, judgment of Delhi High Court di, main Uttarakhand di High Court di judgment padhan lag dasan lag. Uttarakhand High Court ne Uttarakhand di sarkar 5/2020 nu order ki school tuition fees ton zyada fees nahi manguga, kyunki dhakka karan lag gaye si na, order tan tade karne paye। इन्हों कंट्रोल करने की नौबत उदों आई जो ये मनाइयां करनियां शुरू करती हैं। इन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट के पेरेंट्स ने पिल फाइल की कि असी ट्यूशन फी भी नहीं पे कर सकते। डिविजन बेंच ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया स्कूल फीस मंगण तो दूर की गल, कोई SMS नहीं करूँगा, मैं नाल अटैच की है सर, तुसी ऑर्डर देखो, मैं तुहानू दसदा ये ऑर्डर देखो। वी हैव द रिस्पैक्ट फॉर ऑनरेबल कोर्ट्स, बिना सुने तो ऑर्डर होया सी, एप्लीकेशन लाइया 5 बराबर एक केस लगाता, लिस्ट होन जा रहा नियर फ्यूचर, बिफता खड़ी हुई पई है। ऑर्डर की हुंदा? ऑर्डर कहिंदा तुसी 70% लै लो 6 महीने च 2 किश्तां च। ऑर्डर की कर रहे ने 31 तरीक नूं दे दो फीस। उत्थे ही स्कूल प्रशासन अपने आप नूं बचाउण अते हर तरह के तथ्य सामने रखने की कोशिश करते रहे, पर विच लोकां ने रिपोर्टां दा हवाला दे के उन्हां नूं मुड़ चुप करवाउण दी कोशिश कीती है। बहुत सारे बंदियां दा जिहड़ा बिजनेस आ सफर हो गया, जां उन्हां कोल किता नहीं है, जां उह हेल्पलैस हो गए देण वास्ते फीस नूं। कुछ सर क्वेश्चन इह है कि जदों असीं रूटीन टाइम दे विच अपार्ट फ्रॉम कोविड 19 टाइम
उस तो अलावा भी साढ़े को शिकायत आदि सी जे को एप्लीकेंट्स आते हैं कि साढ़े को सोर्स नहीं है पर अभी पढ़ाना थोड़े स्कूल जाने असं उन्होंने भी कंसिडर करते हैं ना उन्होंने भी कंसेशन दें साढ़े को आकर चैक कर सकते हो हरेक मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता मैं चैनल से हरेक स्कूल जाके देख लो 5-4%, 3%, 2% बच्चे पढ़ते हैं जेडे फ्री ऑफ कॉस्ट भी होंगे ईवन साढ़े अपने टीचर्स के बच्चे भी पढ़ते हैं साढ़े अपने वर्करस के बच्चे भी पढ़ते सेम स्कूल पर दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग हूँ क्वेश्चन अराइज के जो पॉइंट बागड़ी साहब ने रेज़ किया जी हाँ जी बहुत ज़्यादा इदा देंजेस आ गई सोसायटी के बंद का जो किता खत्म हो गया सेम इशू के उत्ते दिल्ली हाई कोर्ट में पटीशन पई सी जिद ऑनरेबल इफ आई एम नॉट रोंग चीफ जस्टिस के कोल सी जी उन्होंने बिल्कुल कहा वो कहते भी जे मैं इदा कह दाँगा भी किता चला गया तो फिर तो कोई भी फीस नहीं देगा फिर तो अभी स्कूल बंद ही कर दें ऑर्डर है ऑन रिकॉर्ड उस है उन्होंने कहा कि जिदा किता सफर किया है वो एक एप्लीकेशन मूव करे कंसर्न मैनेजमेंट स्कूल की ना प्लस एप्लीकेशन मूव करे कंसर्न सर्कल ऑफिसर जिम्मे डीओ बोलते हैं मैं थोड़ा उत्थे लैके आना मैं लैके आना जोड़ा पॉइंट है उन्होंने कंसिडर किया उन्होंने ये भी किया हूँ ऑनलाइन तो मैं आना उन्होंने भी कहा ऑनलाइन को बच्चों का खेल नहीं है ये कह रहे हैं जी वो दो पीरियड लाते हैं मैं थोड़ा ऑन रिकॉर्ड बोलना जिहड़ा मैं इत्थे नाम नहीं लैना चाहता स्कूल है मेरा मैं तुहानू बाद दिखा भी दिना हुण तुसीं देख लो हजे 2 बजे तक ऑनलाइन है ठीक 8:30 बजे सारिया क्लासा ऑनलाइन एयर हो जांदियां तुहानू भी पता एक चैनल एयर करना हो तो कितना जोर लगता 16-17 क्लासा नू एयर करना होवे कितना जोर लगता कितनी बैंडविड्थ स्पीड चाहीदी उहदी जी ये भी कम हो रहा है हुण उहदा पॉइंट आपां कहिंदे आ जी सफर हो गया तुसीं कल्ला पेरेंट्स दी जगह ते खड़ के ना देखो तुसी मैनेजमेंट की जगह पर खड़ के देखो जिहड़ा साडे को ड्राइवर काम करता उहदी जगह पर भी खड़ो जिहड़ा टीचर काम करता उहदी जगह पर खड़ो सरकार की कहती है सरकार कहती सैलरियां सारियां दिओ फीस तुसी लाओ ना कदे कहंदे ट्यूशन फीस लाओ जी कदे उह कहंदे 70% लै लो जी हुण सरकार ने कोर्ट ने की किया कोर्ट ने यह कर दिता कि 70% फीस लै लो 70% सैलरी दे दिओ उन्हां नूं भी पता है क्योंकि कोर्ट तो एक जुडिशियल बॉडी है वो इदा का नॉन जुडिशियल फैसला तो कर ही नहीं सकती वो यही कह सकती कि 70% फीस ला लो 100% सैलरी दे दो उन्होंने कहा 70% फीस ला लो 70% सैलरी दे आई वॉन्ट टू से एक चीज़ होर क्लीयर कर दें जिहड़ा आपां कहिंदे आ जी मेरा बच्चा पहली दे विच है जां मेरा बच्चा यू के जी च है मेरा बच्चा एल के जी च है जी वो तो जी उन्होंने ऑनलाइन का पता ही नहीं है मैं थोड़ा उत्थे होर एलाबोरेट कर दिया जिहड़े छोटे बच्चे होंगे उन्होंने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होंगी है मैं बीइंग ए चेयरमैन ऑफ द ग्रुप ऑफ स्कूल्स दस रहा थोड़ा बहुत सारे पेरेंट्स मजोरिटी पेरेंट्स ये होंगे वो साड़ी स्कूल ट्रांसपोर्ट को प्रैफर नहीं करते कहते अपना साड़ा बच्चा छोटा सी आप छड्ड लवेंगे जो अद्धा पौना घंटा सवेरे अद्धा पौना घंटा शाम को ट्रैवल करके बच्चे छड्ड ना सकते कि वो 2 घंटे नाल नहीं बैठ सकते रैगुलर टाइम के रैगुलर टाइम के पेरेंट्स जिहड़े आ छोटे बच्चों को आप असिस्ट करते हैं क्योंकि टीचर स्कूल तो घर नहीं जाके पढ़ा सकते बहाने ने सिर्फ फिर ये ना फीस ना देंदे ये तो कहंदे जी बहाने ने सिर्फ ओके टेक्निकल पॉइंट आ जो चल रहा है एक सेकंड जेड़े वॉकिंग ने वो की करेंगे सर ते पीछे कोई और फैमिली नहीं है तुसी सुन रहे हो लाइव सर फैमिली नहीं है कि तुसी तुसी अगर लेमैन सुनो मैं कोई सिंगल मदर हां अगर लेमैन है हैगा जी मैं ओके असि बच्चों को किस स्कूल भेजदा थोड़े पॉइंट सेंड देम फॉर द मोरालिटी अगर स्कूल इस टाइम पे मोरालिटी शो नहीं करेगा असं कहते नो पेरेंट्स सेज की सेल्फ फीस ना लो असं कहने प्रोराटा छोटा बच्चा कभी भी क्लास नहीं लगा सकता अप टिल 8th असं फिर भी नहीं कह रहे कि फीस ना लो प्री प्राइमरी बच्चे जेड़ा LKG तो थले UKG तो थले फर्स्ट सेकंड क्लास असं सारा टाइम सर बच्चों को लैक्चर दे रहे हैं सारे पेरेंट्स मोबाइल नहीं यूज़ करना नहीं यूज़ करना नहीं यूज़ करना मैं अपनी एग्जाम्पल देना मैं किसी एग्जाम्पल नहीं दे रहा मेरा बेटा कह रहा है कि वैसे तो मोबाइल फड़ाते नहीं कभी सारी जिंदगी और सारा दिन मोबाइल और मोबाइल नो वन कैन अफोर्ड अ मोबाइल सर आई कैन अफोर्ड नो वन कैन अफोर्ड प्रोटेक्शन कमीशन ने भी कहता कि जी ऑनलाइन क्लासेस लगानी है एक वायलेशन है बल्कि यूनेस्को भी ये गल कह रही है यूनिसेफ भी ये गल कह रही है कि ये क्लासेस ऑनलाइन लगानी है हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रन बिकॉज़ ऑफ बहुत सारी सोशल साइट्स इन्होंने भी फिलहाल इस बहस का कोई नतीजा सामने नहीं आया मापे अपनी गल्लां ते बजद ने अते स्कूल प्रशासन अपनी गल्लां ते इस सब दौरान बच्चों की सिक्ख्या प्रभावित हो रही है सरकार नू इस समस्या का कोई पक्का हल जल्द लभ के दोवां धिरां नू शांत करना होवेगा अज मापे भी कट्ठे हुए तो लीगल एडवाइजर भी कट्ठे हुए स्कूलों ने भी आपकी गल रखी कह सकते हैं कि यह चीज़ा निबड़दी हुई नज़र नहीं आदि पंजाब भवन तो बाहर की गल है कि आखिरकार तुम देखो कि मापे ने जोड़े वो आसे पासे कट्ठे होंगे गल आते हैं तो कितना कित जे अध्यापक ने वह अपनी गल रख रहे हैं कि साड़िया की मजबूरिया ने हूँ देखना होगा कि बिच का राह की निकलता सरकार बिच का राह की कड़दिया ने यह सब तो वड्डी हुण देखना होगा क्योंकि मापे परेशान ने तो स्कूलों ने आपकी परेशानी दसती है कि आखिरकार हुण बिच का राह ही
देखना होगा की निकलता ताकि दोनों सफर ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के नाम सुमित जोशी, डेली पोस्ट पंजाबी, चंडीगढ़। सत श्री अकाल। जे तुसी कैनेडा स्टूडेंट वीजे ते जाना चाहते हो पर आइल्स विच ओवरऑल तो 6 आ गए, एक विच 5.5 बैंड करके डरते हो, जा कैनेडा दा स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज़ करवा बैठे हो, या स्टडी गैप ज़्यादा होने करके सोचते हो कि कित रिफ्यूजल ना आ जाए, तो अज ही पिरामिड ई सर्विसिज़ नू मिलो और कैनेडा जाने अपने सुपने नू साकार करो।